हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्क्रीन बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं जो स्काई शॉट होते हैं, जो नीचे से चलाओ ऊपर जाके फटता है, उसका ऑपरेशन करने वाला हूँ, सारा खोल के दिखाने वाला हूँ। मतलब कि जो इसके अंदर मटेरियल मैं दिखा देता हूँ, ये स्काई शॉट है, ये सस्ते वाला है जो कि मैंने परचेज़ किया है 150 रुपये का। पर ये आता 250 रुपये का है, 250-300 के बीच में आता है। पर मैंने गोदाम से परचेज़ किया है, उसका गोदाम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने परचेज़ करने हैं या आप होलसेल से रेट परचेज़ करना चाहते हो तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसको चला के दिखाऊंगा इस वीडियो में। पहले उससे पहले क्या करूंगा कि इसको काटूंगा, इसके अंदर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, इस फित्ते को आग लगाते हैं तो पहले कहाँ जाती है, वो सारी आपको डिटेल नॉलेज देने वाला हूँ। तो देखते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो यहाँ पे कुछ पटाखे नए आए हैं, जैसे कि ये ड्रोन आया हुआ है, ये 4 व्हील आया हुआ है, और ये 5G गोल्ड आया हुआ है। ये कुछ पटाखे नए आए हुए हैं, और जो लड़ी जलाने के आदि है, जिनको बहुत शौक है कि हाँ भाई मैं सड़क में लंबे पटाखे रख के चलाने हैं ना, तो ये 5-10 हज़ार से स्टार्ट हो गए, 5 हज़ार और 10 हज़ार, मतलब कि सबसे छोटी लड़ी, बल्कि आपके बजट के हिसाब से उससे बड़ी लड़ी, उससे बड़ी लड़ी। अगर आप और ज़्यादा बजट खर्च लेते हो तो वो 240 शॉट है, बल्कि लगा के आप आधा घंटा पौना घंटा बैठ जाओ और आनंद लो मोबाइल का कैमरा ऑन करके। तो आज क्या सीन है, आज सीन ये है कि मैं आज स्पाइडरमैन, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये स्पाइडरमैन इसके अंदर क्या आइटम भरी हुई है, वो कैसे चलती है, दोनों बकायदा एक चीज़ को भी चला के दिखाऊंगा। और पहले इसको काट फीट के दिखाएंगे इसके अंदर है क्या, मतलब कि ये मेरा नया कॉन्सेप्ट है, ये मैं सस्ता इसलिए चला रहा हूँ, मतलब कि ये इससे भी प्रीमियम प्रीमियम है। अगर आपने सपोर्ट की तो अगली बार ये पटाखा तोड़ के दिखाएंगे और चला के भी दिखाएंगे। फिलहाल मेरी ब्लॉग पता नहीं कैसा होगा, कि इसलिए एक्सपीरियंस है कि मतलब कि फर्स्ट वीडियो है मेरी पटाखे के ऊपर। दिवाली पास में आ रही है, दशहरा पास में आ रहा है। अगर आपने परचेज करना है तो आप गोदाम का लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आ सकते हो। फिलहाल हम स्पाइडरमैन को खोल फील के देखेंगे, इसके अंदर कौन से चश्मे या कौन से जाल फेंक रहा है ये। और ये इसमें कलर भी आपको मल्टी कलर भी मिल जाते हैं, मेरे ख्याल से आई थिंक ग्रीन, रेड और शायद येलो भी मिलता होगा। पर फिलहाल आप इसका ऑपरेशन करके दिखाऊंगा मैं, और बकायदा ये तीन है, तीन में से दो चला के दिखाऊंगा और एक को क्या खोलना हमने, ठीक है। और रात का सीन ऐसा है कि देखेंगे, एक मैं कोशिश हुआ, कन्फर्म नहीं कहता, कोशिश हुआ तो एक मैं रात को चला के दिखा दूंगा, कन्फर्म नहीं है, पर फिर भी मैं आप इसके दिखाऊंगा। आप वीडियो के साथ जुड़े रहे, और नेक्स्ट वीडियो में ना इस गोदाम की सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, जो आपको कल या परसों तक आ जाएगी। इस गोदाम में आपको कौन कौन से ब्रांड के पटाखे मिल जाएंगे, किस रेंज से स्टार्ट हो गए, किस रेंज तक एंड मिल जाएंगे। एक चीज़ बता दूँ, ज़्यादातर वहाँ वही इंसान है ना जिन्होंने अपनी शॉप के लिए सेल करने के लिए पटाखे परचेज करने हैं, पर कई शौकीन ऐसे होते हैं जो 10-20 हज़ार के पटाखे परचेज करते हैं, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। अगर कहेंगे बात की जाए तो ये आपको सिंगल डब्बी, यहाँ अगर आप आ रहे हो इतनी दूर से सिंगल डब्बी लेने के लिए, वैसे नहीं मिलेगी। अगर आप मेरी वीडियो देख के आ रहे हो तो आपको सिंगल डब्बी मिल जाएगी, मेरा नाम लेना पड़ेगा आपको, और डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो भी आपको मिलेगा पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उजार तैयार है ऑपरेशन के लिए, सर्जरी आ चुके हैं, हमने एक पटाखा निकाल लेते हैं। तो ये निकाल लिया हमने, एक चलाएँगे अब, एक चलाएँगे रात को, ठीक है। तो ये आपको 150 रुपये का जो दुकानदार रेट रहता है, वो 150 रुपये का, मतलब ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर ये फिलहाल आज की डेट में 150 का है। अगर आप बाहर से खरीदोगे तो इसका अलग अलग रेट हो गए, 350-250 रुपये, पता नहीं कितना होगा, बल्कि एक का, ठीक है। तो अलग अलग रेट होते हैं। फिलहाल ये यहाँ पे अगर आप इस महीने में आते हो तो आपको ये 150 का मिल जाएगा। वीडियो में थोड़ा गलती से, मिस्टेक से नाम इसका 250 रुपया लिया गया, पर अगले महीने आओगे तो शायद इसका रेट 250 रुपया हो जाएगा। क्योंकि मैं बता दूँ कि ये ऐसा सीन होता है कि ये इनके रेट अपडेट होते रहे, जैसे दिवाली नेड़े आई जाएगी वैसे रेट बढ़ जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसके बीच में क्या है, और थोड़ा म्यूज़िक लगा देंगे अगर लेकिन खोला हमने, देखते हैं बीच में क्या है, इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर है ना, और देख सकते हो वो वाइट वाइट सी थैली सी रखी हुई है, बाकी ये इतना खाली है, इतना खाली बैलेंस के लिए होता है आई थिंक। तो चलो फिलहाल हम इसको काटते हैं, थोड़ा फॉरवर्ड में म्यूज़िक लगा के।
क्या फाइनली मैं बताता हूँ कि जो मेन शॉट बचता है वो इसके अंदर बचता है, ये बंद है, पूरा पैक है। पैक क्यों होता है कि ताकि एक प्रेशर बन सके ऊपर जाने के लिए। ये इसके अंदर आप बॉल्स देख रहे हो, ये मसाला सा, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो, ये भी एक पटास है, मतलब कि इसमें जैसे ही थोड़ी सी चंगारी जाती है तो ये आग पैदा करती है, जो कि जो आग इसके नीचे लगती है, इसके नीचे जो आग लगेगी वो इसको प्रेशर बनाएगी। इसके अंदर जब वो फटेगा, जब बहुत हार्ड होता है, इसको भी खोल के दिखाऊंगा, ये सीधा का सीधा जब उसके नीचे आग लगती है तो ये इस गोली को ऊपर भेजता है करके। इसके अंदर भी एक बॉल हो गया थी तो ऊपर जाके जब फटता है, तो इसको हम बाद में खोलेंगे। इसमें देख सकते हो, अगर मैं इसको ऐसे ही आग लगाऊंगा तो ये पूरा मतलब कि यही मेरा हाथ पैर सारा कुछ साड़ देगी। तो फिलहाल हम आपको इसको अलग करते हैं। ये देखो, ये पुश करने के लिए चिंगार से रहते हैं, ऊपर जाके ये फटता है, तो इसको हम इसको अलग करते हैं। इसको भी हम चला के देखेंगे कि कैसा चलता है। आप टेंशन ना लो, आज का आपके वीडियो कंसेप्ट पर ज़बरदस्त मिलेगा। ये हमने इसमें सारी बॉल निकाल दी। इसके अंदर देखो आप, ये है, इसको हम अब थोड़ा काट लेते हैं, फाड़ लेते हैं, ये हार्ड बड़ा है। अब फिर से बैकग्राउंड में म्यूजिक, ठीक है, अब इसको हल्लाते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगेगा। अब सीन क्या है, देखो अब ये चक्री भी हम निकालते हैं। वैसे क्या होता है मैं बता देता हूँ, वो ये देखो, ये चीज़ इसके अंदर ऐसे लगी होती है, ठीक है, ऐसे होती है ये, ठीक है, ताँ जो इसको अच्छे से पटाखा मिल गैस मिल जाए। ये जितनी भी गोलियाँ हैं ये आप देख सकते हो, फीता फीता, एक मिनट रुको, ये फीता देख रहे हो, ये देखो ये ऐसे ही दे रखा है बीच में, तो ये जो देखो एक मिनट, वन मिनट वेट। अब ये देखो, ये सारे के अंदर ऐसे बरूद है, ये बरूद है। इसका काम क्या है, इस डब्बी को, मतलब कि अब तो ये खैर इस केस में आ रही है, पर कईयों पे ये बॉल भी होती है, मतलब कि बॉल बनी होती है, ठीक है। इसमें ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ ऐसे पैक है, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरा पैक है एकदम अच्छे से, और ये जो आपने देखा, ये सारा सीन देखा है, ये इसको अच्छे से कवर करके रखता है ताकि इसमें थोड़ा सा भी लीकेज ना हो। अगर आप थोड़ा सा लीक कर दोगे तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा, ताकि ये ऊपर जो जाएगा तो उसकी हाइट कम हो जाएगी, तो ये थोड़ा नीचे फट जाएगा। केवल आपने देखा होगा ऐसा हो जाता है, ठीक है, पर ये सीन ऐसे जुड़ा हुआ है, इसको पूरा प्रेशर और ये ऐसे, ये इतना लंबा इसलिए होता है ताकि इसको पूरा प्रेशर मिल सके, पूरी हाइट मिल सके, ये इसलिए होता है। इसलिए नहीं होता कि पटाखा कम रखे कम हो, अगर ये पूरा ऊपर तक भर दिया ना तो ये पूरा ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे ही फट जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही बाहर आएगा नाली फट जाएगा, तो ये पूरी इसको हाइट देता है। अगर इसको और लंबा कर दिया जाए तो इसकी हाइट और ऊँची हो जाएगी, ये और ऊपर जाएगा, मतलब कि इसकी हाइट और लंबी कर दी जाए तो ये और ऊँचा जाएगा। तो आपने कभी नोट किया होगा, जो आप प्रीमियम पटाखे, जो बड़े पटाखे खरीदते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसकी हाइट देख सकते हो, इसकी हाइट भी लगभग इसके बराबरी है, तो इसकी हाइट जितनी बढ़ती जाएगी ये जो शॉट है ये उतना ही ऊपर जाएगा। अब सपोज करो ये ज़्यादा ऊपर चला जाए और खिलरे कम तो नहीं अच्छा लगे, तो ये उसी हिसाब से इसकी रेंज बनाते हैं कि देखने में भी अच्छा लगे और थोड़ा बड़ा भी लगे। जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे हमें शॉट छोटा दिखता जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि ये कैसे बनता है। ये पटास है, ठीक है, हम करेंगे क्या, हम रिस्क नहीं लेंगे। मैं निकल जा बाहर, ये फंस गई, देखो कितने अच्छे से फंस गई है ये, मतलब कि एकदम पूरा पटाखे बनाने वालों ने जीनियस किया हुआ है। इसको हम निकाल लेते हैं। अब देखो हम करेंगे क्या, बेसिकली क्या करेंगे, ये मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, चला के मैं इसका एक गोली दिखाऊंगा। अगर सारी गोली को एकदम आग लगाई तो मुझे भागने का टाइम नहीं मिलेगा, मेरे हाथ पैर सड़ जाएंगे, और बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना है। तो अब क्या करूँगा, मैं इसको चला के दिखाऊंगा, और ये बरूद क्या है मैं आपको सारा अपने हाथ पे निकाल के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, अब ये इतना सा बरूद है जो कि इसको पूरी हाइट देता है। तो ये हम इसको इसके अंदर ही डाल देते हैं, ठीक है। अब हम इसको बाहर जाएंगे, बाहर जाके इसको चला के दिखाएंगे और उसके बाद इसको चला के दिखाएंगे। पर इसको हम यहीं पे खोल लेते हैं, और खोलने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ओपन नहीं करेंगे, इसको ओपन करूँ या इसको ओपन करूँ, फिलहाल हम इसको ओपन करते हैं। अगर इसको ओपन करूँगा तो इसके नीचे मसाले की थोड़ी डली सी बनी होगी, उसके बाद यह बॉल्स पड़ी होगी। अगर हम ऊपर से इसको खोलते हैं, अगर मैं नीचे से खोल के दिखाऊँ, नहीं ऊपर से खोल के दिखाऊँगा, अगर नीचे से खोल के दिखाऊँगा थोड़ा जल्दी खुल जाएगा। ये देखो, ये इन्होंने ऊपर से अच्छे से पैक किया ताकि ऊपर जाके ही पूरा ब्लास्ट हो। ये मेन काम करने वाली होती है, ये जो ऊपर जाके आपको कलर दिखाती है, जो आपको स्टार बनाती है, वो सारा ये काम करती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो खुल गया, ये ओके फ्रेंड्स, बचपन में आपने इससे पंगे तो लिए होंगे। फ्रेंड्स ये देखो, ये इसके अंदर इतना पटास भरा हुआ है, ये आप वाइट वाइट देख लो ना, कुकड़ का जो पटाखा होता है, कुकड़ मार्केट का, अगर आपने छोटा देखा होगा उसमें यही, ये जो बॉल है ना
ये अलग से जलती है, ठीक है, पर जो इसके अंदर मसाला भरा हुआ है ये इसलिए इतना भरा हुआ है ताकि एक एक बॉल को आग लग जाए, पर जब ये ऊपर जाती है, ऊपर जाके फटती है तो ये जो मसाला है ये सारी बॉलों को आग लगा देता है। जब ये फटती है तो फटती मतलब कि ये छोटी छोटी बॉल फटती फटती आपको दिखाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। और ये देख सको ये ऊपर तक भरा हुआ है, ये मसाला काफ़ी महंगा आता है, तो इसलिए इन पटाखों की कीमत जो हाई होती है और इसका रिस्क भी काफ़ी होता है, इसको बनाने का रिस्क काफ़ी होता है। यहाँ पे ये बनता है और वहाँ पे एक सिंपल सी चिंगारी भी काफ़ी मतलब की तबाही मचा सकती है। अभी आपने तो चलो अब हम इन दोनों को चला के दिखाएंगे पहले, उसके बाद कंप्लीट इस केस को चला के दिखाएंगे, उसके बाद रात को इस केस को चला के दिखाएंगे। वीडियो लंबी होएगी तो क्या कर सकते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो चलो स्पाइडरमैन को चलाते हैं। जो हमने मटेरियल खड़ा है गोदाम के पास तो दूर दूर तक नहीं चला सकते, तो अभी हम पहले वो करेंगे। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है, गोदाम का फ़ोन नंबर ये आपको दिख रहा है पर आपको दूसरे नंबर पे भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी वो सारा मटेरियल चला के दिखाऊंगा अलग अलग, वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, सारा मटेरियल चला के दिखाऊंगा। उसके बाद लास्ट में ये चला के दिखाऊंगा। ये दिन में थोड़ा कम दिखेगा, पहले बता दूं, रात में ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। और ये एक हम रात को चलाएंगे, रात को चलाऊंगा मैं छत पे एकदम अच्छे से चला के दिखाऊंगा कि उसका एक्सपीरियंस क्या रहता है। तो जो फिलहाल जो छोटा मसाला है ये भाई के हाथ में, आपको दिखा देता हूँ, ये और इसके नीचे वाला दोनों अलग अलग चला के दिखा देता हूँ यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी दूर आ गए, इसका इतना भी नहीं होगा कि हम इतना दूर चले जाएंगे। है कुछ ऐसा, ये तीनों चीज़ें चला के दिखाने वाला हूँ, ये दोनों इसके अंदर है, मतलब कि पहले ये चलाऊँगा फिर ये चलाऊँगा फिर ये दोनों मिक्स करके ये चलाऊँगा, जो कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा ये चलेगा हवा में जाके, ठीक है। तो ये जो है ये माल बहुत ज़्यादा है, पर हम ये दूर जाके चलाएंगे, मतलब कि ये अकेला कितना धमाका करता है। उसके बाद इसमें से ये फुल नहीं चलाऊंगा, पूरी नहीं चलाऊंगा, इसमें से हाफ से भी हाफ चलाऊंगा, क्योंकि ये अगर नीचे हम फ्लोर पे चलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो नुकसान है, हमने जान माल का भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो चलो अब चलाते हैं। हवा बहुत तेज है यार, ये चेक कर सकते हो कि ये पूरा खत्म हो गया है। इसमें पूरा सीन क्या है कि अभी ये जो पटाखे ये खतरनाक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें छेद है गया, तो हम इसके छेद में ये डाल देंगे। देखो ये पटाखा, ये पटाखे का जो होता है ये हमने इसमें डाल दिया, ठीक है, इसको हमने इसमें डाल दिया, ये देखो ये इसमें डाल दिया हमने, ठीक है। अब ये अंदर आ गया, तो अब पटाखा डाल देंगे, ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, बूंद 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 बूंद, और ये फट जाएगा, काफ़ी फट सकता है। तो हमने ये इतने डाला, ये टाइट काफ़ी है, तो हमने इसको सारा नहीं भरना, हमने कुछ थोड़ा सा डालना है इसमें, ठीक है। ये बोल्स दे सकते हो और पटाख भी, इसमें पटाखा भी आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको आग लगा के दूर हो जाएंगे, और ये देख सकते हो इसमें अभी बहुत ज़्यादा आया, मतलब कि ये हमने आधा डाला हुआ है, ठीक है। तो ये आपने घर में रिस्क नहीं लेके देखना, ये देखो कितना टाइट भरा होता है, ये पूरा ऊपर जाके फटता है, ठीक है। तो अभी ये चेक कर सकते हो, ठीक है, अब हम चलाएंगे, इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा आप सेफ्टी रहना। तो हमने इसको आगे छील लिया, जिसके कारण क्या होता है कि ये धीरे धीरे पीछे जाता है, अगर आप इसको छीलोगे नहीं तुरंत और फट जाएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, ये आधा माल चला रहे हैं, आधे से भी कम चला रहे हैं, ये चेक कर सकते हो, ठीक है। ये इतना ही चलाएंगे, जान माल को भी रख, मतलब कि अभी अपना इतना वजन नहीं है, कैमरा दूसरा ले। तो चलो अब इसको चला के दिखाते, अभी इसको आग लग चुकी है, अब हम जा रहे हैं दूर, ठीक है ना, आराम से जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। तो ये वाइड एंगल नेड़े से क्या रहता है, मेरा कैमरा आप चेक कर सकते हो, अभी ये चलेगा कुछ ऐसे। ये देखा सीन कुछ ऐसा रहता है इसका चलने का।
चलने का, जो कि आपको देखने को मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल हम फुल शिप चलाने वाले हैं। जो मैंने चला के दिखाया उसमें था थोड़े कम डाले हुए थे, जहाँ जो ज़्यादा फैल रही है ना, और आपको पता मैं अकेला वीडियो बनाने वाला, और ये इसको लग रही है आग, और ये अब चलने के लिए तैयार। ये देख सकते हो कि ये जो चला है काफ़ी चल गया बढ़िया बढ़िया, उसका हाल देखा आपने। फ्रेंड्स फाइनल हो गया, अंधेरा हो गया है, अब रात को जैसे मैंने दिन में ये खोल के आपको बजा के दिखाया था, अच्छा दिखा नहीं था, अब ये रात को बजा के दिखाएंगे। अब इसके बाद वीडियो का एंड हो जाएगा, एंड करेंगे तो चलो ये चला के दिखाते हैं, दिखाता हूँ कि ये। तो फ्रेंड्स अभी मैं पटाखे चलाने वाला हूँ स्पाइडरमैन, जो कि मैंने दिन में भी चलाया था, तो अभी फिलहाल हवा चल रही है, देख सकते हो कि ये हवा चल रही है, जा हवा बहुत तेज चल रही है, जबरदस्त चल रही है, चल जा चल जा। ओ सॉरी,
फ्रेंड्स ये पहुंचता है इसका पटाखे का, तो चेक कर सकते हो कि ये कैसा रहा है। ठीक है, आपने पूरा देख लिया, ये चला स्पाइडरमैन एकदम जहर वाला। ठीक है, ये आप देख सकते हो अभी क्या धुआं मार रहा है। जो रिस्पॉन्स फूक मारो इसमें, जो मैंने मतलब कि जब मैंने इसको खोला था तो मैंने आपको दिखाया था कि इसमें पैप में जो इसकी लेंथ रहती है वो रहती है प्रेशर के लिए, प्रेशर में रहता है। इसमें जो चीज़ है वो होती है प्रेशर के लिए, जो जितना पटाख डालोगे उतनी ज़्यादा हाइट लेगा। पर ये घर में छत के ऊपर बनेरे के ऊपर रख के चलाने का बेनिफिट रहता है, अगर आप ज़मीन पे चलाते हो तो ये इतनी हाइट नहीं पकड़ पाते जो इसने अभी हाइट पकड़ी है। तो ठीक है फ्रेंड, अभी मैंने शूट किया है इसमें और इसमें, और वो मिस्त्री हमारा संयोग देता हुआ उसने वीडियो शूट की हुई है। तो अब देखो ये खाली होगा, अब ये वीडियो बना रहे हैं, ओ अब ये खाली हो चुका है, बल्कि जो मैंने इसमें सारी डिटेल बताई थी। तो इसको अभी चलो वीडियो का एंड करते हैं, फिलहाल हम इसको नीचे लेके जाएंगे, इसका सारा दिखाऊंगा अंदर से क्या तामझाम है। तो चलो नीचे चले। फ्रेंड्स ये मैंने अभी चला के दिखा दिया, तो अब चेक कर सकते हो अंदर से। तो क्या होता है कि इसके जो मैंने नीचे से आपको दिखाया था कि वो रहता है, इसको नीचे इन्होंने मिट्टी डाली होती है ताकि इसका बैलेंस रहे, ये इतनी मिट्टी होती है इसमें बैलेंस रहे। ठीक है, मतलब कि यहाँ तक ये लड़ी आती है ना, ये अंदर डाल के इन्होंने दिखाया होता है, मतलब कि अंदर डाल के इन्होंने अंदर मसाला पाया होता है, मसाला इतना होता है, उसके बाद वो गिट्टी सी होती है जो कि इसके साथ जुड़ी होती है इतनी बड़ी, और उसके बाद यहाँ पे टोपी लगाई होती है, एक और ऊपर टोपी लगाई होती है ताकि ऊपर से बाई चांस हवा यहाँ तक आ जाए तो और नीचे ना जाए। तो ये पटाखा हमने चला के दिखा दिया है, खोल के भी दिखा दिया है कि इसके अंदर क्या क्या होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो चलो वीडियो का एंड करें। फाइनली मैंने इसको चला के दिखा दिया, रात को भी दिन को भी खोल के भी दिखा दिया, ऑपरेशन भी कर दिया है, अभी मैं रूम में हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सपोर्ट करना मेरे चैनल को, और इसी तरह के और भी कंसेप्ट काफ़ी आएंगे, टेंशन ना लो। अभी दिवाली है तो दिवाली के मौसम में आपको दिवाली वाला सिस्टम मिलेगा, दिशहरी वाला, तो जो भी है आपको मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और इसी तरह सपोर्ट करते रहना, वीडियो लंबी हो सॉरी। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, इसी तरह सपोर्ट करते रहे।